Good morning, students. Today we are going to study laws of exponent in the chapter exponent and powers. This is very important topic. चलिए हम देखते हैं इसको कैसे explain कर सकते हैं. You have to learn all the six laws with practice. Because अगर आप practice नहीं करोगे तो ये laws याद तो रहेंगे लेकिन इनका proper use आपको समझ में नहीं आएगा. ठीक है, सो यू हैव टू प्रैक्टिस एट लीस्ट 10-10 क्वेश्चन फॉर ईच लॉ. ओके, सो 10-10 क्वेश्चन तो नहीं मिलने वाले हैं लेकिन आपकी बुक में जितने क्वेश्चंस हैं उसको 3-4 टाइम्स रिपीट कर देना. ठीक है, सो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में देखते हैं. हमारी पहली एक्सप्लेनेशन, ए टू द पावर एम इंटू बी टू द पावर एम इज इक्वल्स टू ए इंटू बी टू द पावर एम, ए इंटू बी टू द पावर एम. ओके, लेट्स चेक कैसे हो सकता है ये. ध्यान दें, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं. हम छोटा सा एग्जांपल क्या ले लें, हम ले लेते हैं ए टू द पावर टू. ठीक है, ए टू द पावर टू, और ए टू द पावर टू करने पर क्या हो जाता है, ए इंटू ए. एंड दूसरा ले लेते हैं बी टू द पावर टू, तो बी टू द पावर टू करने पर क्या हो जाता है, बी इंटू बी. ठीक है, अब हम ए टू द पावर टू इंटू बी टू द पावर टू करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ए इंटू ए. ओके ओके, गॉट इट, इंटू इंटू बी इंटू बी. ठीक है, तो बच्चों आप ये देख रहे हो कि ए भी टू टाइम्स है और बी भी टू टाइम्स है. ठीक है, ए भी टू टाइम्स है और बी भी टू टाइम्स है, तो वी कैन राइट इट एज, हम इसे एक ब्रैकेट में करके एक ब्रैकेट में करके ए इंटू बी करके पावर सेम ले सकते हैं ऊपर की तरफ. ठीक है, हम सेम पावर ले सकते हैं ब्रैकेट में करके ऊपर की तरफ. ठीक है, अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो बेटर विद एक्सप्लेन कर लेते हैं. ठीक है, एक्सप्लेन एक्सप्लेनेशन में आपको समझ में आ जाएगा. सिंपल सी एक्सप्लेनेशन लेते हैं, टू टू द पावर टू इंटू फाइव टू द पावर टू, यहाँ से आप समझने की कोशिश करो. ठीक, टू टू द पावर टू इंटू फाइव टू द पावर टू, इट मीन्स टू टू जा फोर. ओके, ध्यान देना मैं वेरीफाई कर रहा हूँ, टू टू जा फोर इंटू फाइव फाइव जा 25 इज़ इक्वल्स टू वॉट 100. ठीक है, अब इधर देख लेते हैं बच्चों, अब हम इस चीज़ को वेरीफाई कर लेते हैं. अब हम टू इंटू फाइव करने के बाद एक सेम पावर ले लेते हैं टू. ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, 10 to the power 2 इज इक्वल्स टू 100. तो देखो सेम के दोनों ही केसेस में आपका 100 आया. अगर आप इंडिविजुअल स्क्वायर करके मल्टीप्लाई करो तो 100 आ रहा है, अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देन स्क्वायर करो तो भी 100 आ रहा है. सो आंसर इज सेम इन बोथ केसेस. तो देखो इस रिजल्ट का क्या मतलब है कि अगर आप इंडिविजुअली दोनों पावर्स को सॉल्व करके मल्टीप्लाई करो या फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर पावर लगाओ तो भी आंसर सेम आएगा. ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं, इस पर सिंपल से एग्जांपल एक और देख लेते हैं. जैसे 3 to the power 3 ओके इंटू 4 to the power 3. चलो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा ये, लेकिन सॉल्व करके देख लेते हैं. ठीक है, देखो अब मैं इंडिविजुअल इन दोनों को सॉल्व करूंगा, 3 to the power 3 क्या आएगा, 27 इंटू, और 4 to the power 3 क्या आएगा, 64. ठीक है, अब ध्यान देने लायक बात यह है कि इन दोनों की इंडिविजुअल मल्टीप्लाई किए हमने. ठीक है, इंडिविजुअल अलग अलग इनकी हमने 3 का अलग पावर निकाला, 4 का अलग पावर निकाला और ये आ गया. ठीक है, सो अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले. ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं, 7 4 ज़ा 28, 2 कैरी, फिर देन 7 6 ज़ा 42, 2 4 ज़ा 8, 42 8, 50 52, 5 कैरी, 2 6 ज़ा 12, 5 17. ओके, सो हियर आंसर इज 1728. ठीक है, हमने इसकी मल्टीप्लाई की, मैंने इस तरह की मल्टीप्लाई आपको ट्रिक, ये जो ट्रिक है मैं आगे मल्टीप्लाई की ट्रिक मैं आपको बताता रहूँगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, सो नाउ अब हम क्या करें भाई, अब हम यही करेंगे
कि हमने इन दोनों की अलग अलग क्यूब निकाली, और फिर क्या किया, अलग अलग क्यूब निकालने के बाद फिर क्या किया, फिर मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अब हम इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे और तब हम इनका क्यूब निकालेंगे। तो ये 12 का क्यूब हो जाएगा, और 12 का क्यूब कितना होता है, 1728। तो देखो बोथ केसेस में आंसर सेम। ओके, सो आपको ध्यान देने लायक, आपको क्या ध्यान देना है कि अगर हम क्यूब अलग करें और बी की क्यूब अलग करें, ठीक है, और फिर मल्टीप्लाई करें, या फिर दोनों की मल्टीप्लाई करके क्यूब निकाले, बोथ केसेस आंसर सेम। ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड। ये वीडियो थोड़ी लंबी जाने वाली है क्योंकि हमें सारी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करना होगा इसमें। ठीक है, चलो नेक्स्ट नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन, हमारी सेकंड एक्सप्लेनेशन क्या होने जा रही है। अच्छा, सो इसका तो इम्पोर्टेंस है, ठीक है, जब क्वेश्चन सॉल्व करने लगोगे तो इसका बहुत इम्पोर्टेंस है। ठीक, ऐसा ना समझना कि क्या ज़रूरत है, फिर इसकी इम्पोर्टेंस है, आपको क्वेश्चन सिंप्लीफाई करते वक्त ये इम्पोर्टेंस समझ में आएगा, मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। ए टू द पावर एम डिवाइडेड बाई बी टू द पावर एम इज इक्वल्स टू ए बाई बी टू द पावर एम इज इक्वल्स टू ए डिवाइडेड बाई बी टू द पावर एम, ये कैसे हो जाएगा, चलो देख लेते हैं। कोई सिंपल सा एग्जाम्पल, जस्ट लाइक दैट, मैं सिंपल सिंपल एग्जांपल लेता हूँ। सिक्स टू द पावर लेने की ज़रूरत नहीं है, छोटा और छोटा ले लेते हैं, टू टू द पावर थ्री, ओके, डिवाइडेड बाई टू टू द पावर थ्री डिवाइडेड बाई फोर टू द पावर, नहीं ये भी सही नहीं रहेगा एग्जांपल। ठीक है, सो क्या एग्जांपल ले लें, हम एग्जांपल ले लेते हैं टू टू द पावर थ्री, ओके, डिवाइडेड बाई थ्री टू द पावर थ्री, ओके, क्लियर है, कुछ खास आंसर नहीं आने वाला है लेकिन आंसर हर केस में सेम आएगा। तो आप ये देखें, टू टू द पावर थ्री का मतलब हो गया, हम इसे ऐसे लिख लेते हैं और नीचे में हम इसे थ्री टू द पावर थ्री। तो बच्चों, हम इसको अलग अलग पावर्स में लिखने के बजाय हम इसे एक साथ भी लिख सकते हैं, क्योंकि सेम आंसर तो सेम ही होना है। जैसे आप चेक कर लें, जैसे आप इसे क्या लिखोगे, आप इसे लिखोगे टू इंटू टू इंटू टू, फिर आप नीचे में क्या लिखोगे, थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री, और अगर आप इसको ऐसे लिख दो तो भी आप क्या लिखोगे, टू बाई थ्री इंटू टू बाई थ्री इंटू टू बाई थ्री, सेम केसेस। ठीक है, सो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आप अगर ए टू द पावर एम डिवाइडेड बाई बी टू द पावर एम है तो आप उसको ए बाई बी टू द पावर एम लिख सकते हो। ठीक है, ए बाई बी टू द पावर एम लिख सकते हो, और ये चीज़ बहुत यूज़फुल होने वाली है आपके लिए। ठीक है, सो पॉइंट आप नोट कर लो, ठीक, इसको सही से समझ लो। और हाँ, एक और बात मैं बार बार कह रहा हूँ, ये सिर्फ प्रैक्टिस से क्लियर होगा, मेरी वीडियो से ये बिल्कुल क्लियर नहीं होगा। मेरी वीडियो से बस थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन हो जाएगी, मुश्किल से 20%, ओके, हार्डली 20% यू गेट इट, बट अनदर 80% यू गेट इट फ्रॉम प्रैक्टिस। ओके, चलो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट एंड वेरी मच इम्पॉर्टेंट थर्ड रूल, ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर एन इज इक्वल्स टू ए टू द पावर एम प्लस एन, इसको वेरीफाई करेंगे हम। ठीक है, ध्यान से देखें बच्चों, एक बात ध्यान से देखने लायक है, अगर हमने टू टू द पावर थ्री ले लिया और टू टू द पावर फोर ले लिया, ठीक है, तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, हमें टू को पहले टू को कितने टाइम्स लिखेंगे, टू इंटू टू इंटू टू, फिर मल्टीप्लाई, फिर टू को फोर टाइम्स, टू इंटू टू इंटू टू, ठीक है, फोर टाइम्स, ओके, अब टू को काउंट करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, अरे यार ये टू तो सेवन टाइम्स आ गया, है कि नहीं, ये क्या हो गया, ये तो यही हो गया कि टू का जो पावर्स, टू के जो पावर्स हैं वो क्या हो गए, ऐड हो गए। ओके, टू टू द पावर थ्री इंटू टू टू द पावर फोर इज इक्वल्स टू 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 द पावर थ्री प्लस फोर, ठीक है, तभी तो सेवन आया। आपने देखा, मैंने टू टू द पावर थ्री को एक्सप्लेन किया। चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं, फाइव टू द पावर थ्री इंटू फाइव टू द पावर फोर, ओके, पॉइंट टू बी नोटेड, ए एंड ए इज सेम,
ठीक है, बेस सेम होना चाहिए, पावर डिफरेंट होना चाहिए, तब ये रूल लगेगा। अब फाइव को पहले हम थ्री टाइम्स लिखेंगे, फिर हम फाइव को कितने टाइम्स लिखेंगे, फोर टाइम्स लिखेंगे, ठीक है, और टोटल काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो फाइव तो सेवन टाइम्स हो गया, इट मींस पावर जो हो रहे हैं वो क्या हो जा रहे हैं, ऐड हो जा रहे हैं। देयर फॉर दिस रूल वर्क लाइक दिस, अगर बेस सेम हुआ, दिस दी ए एन ए बेस सेम हुआ और पावर डिफरेंट हुआ, तो मल्टीप्लाई में बेस क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। अगर अगर बेस सेम हुआ और मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, तो मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाते हैं। एंड फोर्थ, अगर बेस सेम हुआ, ठीक है, और पावर्स डिफरेंट हुए और डिवाइड हो रही है, तो इस दैट इन दैट केस बेस जो पावर जो होते हैं वो क्या होते हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। एग्जांपल के लिए देखो, 6 to the power 4 डिवाइडेड बाई 6 to the power 2, ठीक है, आप देखें ध्यान से, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6 to the power 4 upon 6 to the power 2। फिर क्या लिख सकते हैं, 6 into 6 into 6 into 6 upon 6 into 6, ठीक है, 6 and 6 6 and 6 कैंसिल, ओके। तो क्या आ रहा है, 6 into 6, इट मीन 6 to the power 2। अरे यार ये कैसे आ गया, ये तो भाई बट ऑब्वियस है कि ये जो पावर्स थे वो क्या हो गए, सब्ट्रैक्ट हो गए, तभी तो 6 to the power 2 आ रहा है कि नहीं। तो देखें आप, मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाएंगे और डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, अगर बेस सेम हुआ तो, ठीक है। चलो नेक्स्ट, आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा कौन सा है, अब है हमारे पास 8 to the power 0, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो 8 to the power 0 इज इक्वल्स टू 1। तो मैं आपको एक बात याद दिला देता हूँ, ये एक फैक्ट है कि अगर आपने किसी भी नंबर के ऊपर पावर 0 लगाया तो इट शुड बी इक्वल टू 1, ठीक है, इसे 1 ही होना है, ठीक है, दिस इज रूल। अगर आपने 1000 के ऊपर भी पावर 0 लगाया तो ये भी 1 हो जाएगा, अगर आपने पी के ऊपर भी 0 लगाया तो भी ये 1 हो जाएगा, ठीक है, अगर आपने अपने ऊपर भी पावर 0 लगा दिया तो भी आप 1 हो जाएंगे, है ना, यानी पावर का ख़त्म हो जाना, ठीक, पावर तो ख़त्म हो जा रही है, ठीक, जब 0 पावर मतलब कि आप क्या हो गए, 1 हो गए, ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है, ठीक, ओके। मैं इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आप बस इतना ध्यान दें कि किसी भी नंबर के ऊपर अगर पावर 0 है तो वो क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर सिक्स क्या है, 8 to the power m, अगर एक पावर लगा है उसके ऊपर एक दूसरे पावर भी लगी हुई है तो वो कैसे लिखेंगे, 8 to the power m into n, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। देखें कैसे, अगर 2 पे लगा है 3 और फिर ऊपर भी लगा है 2, तो ध्यान से देखें, 2 into 2 into 2, पहले हमने अंदर वाला एक्सप्लेन किया, ठीक है, और ऊपर लगा दिया 2, अब हमें इसको भी दो बार लिखना है, 2 into 2 into 2, फिर एक बार और लिखना है 2 into 2 into 2, ठीक है, क्योंकि पावर 2 था, तो ये टोटल कितना हो गया, 2 to the power 6, 1 2 3 4 5 6, ये कितना हो गया, 6, ठीक है। इट मीन्स पावर्स क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 3 into 2 हो गए, पावर्स क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 3 into 2। तो आई थिंक यू गॉट द रूल्स, यू गॉट द ऑल रूल्स, ठीक है बच्चों, ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, ओके। चलो कुछ क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कर लेते हैं।